गुना में पुलिस द्वारा ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। गुना पुलिस स्मार्ट सेफ्टी के नाम से ऐप के माध्यम से अब घर बैठे FIR प्राप्त की जा सकेगी। इस ऐप में कई फीचर्स हैं जिनका बखान पुलिस कप्तान राजीव कुमार मिश्रा ने किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला सुरक्षा से लेकर कई उपयोगी जानकारियों को ऐप में जगह दी गई है। कार्यक्रम में ग्वालियर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। IG अनिल शर्मा ने जन सुरक्षा के लिए ऐप को महत्वपूर्ण कदम बताया। IG अनिल शर्मा ने कहा कि पुलिस को सिटीजन सर्विस पर ध्यान देना होगा। कलेक्टर फ्रैंक नोबल की तारीफ करते हुए पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा ने कहा कि वे उनके आगमन से अभिभूत हैं। देखिए, आज जो ऐप लॉन्च हुआ है ये पुलिस के वो प्रयास हैं जिनसे कि वो पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलवा सके, इसके तहत ये ऐप लॉन्च है। कैसे सुविधा दे सकते हैं, कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, इन सब बातों के लिए ये ऐप तैयार किया गया। हमारी कोशिश रहेगी कि ये ऐप सक्सेसफुल हो, इसीलिए इसे ऐप को बनाया गया है, इसीलिए इसे ऐप को लॉन्च किया गया। गुना पुलिस की तरफ से पुलिस की एक एप्लीकेशन, एक ऐप बनाया है। पिछले कई महीनों से हमारी साइबर की टीम इस पे वर्क कर रही थी और सभी सुविधाजनक उसमें तथ्य एकत्र करते हुए आम जनता के लिए ये ऐप बनाया गया है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फिर तमाम फीचर्स रहेंगे जो कि आपको सुरक्षा, सुविधा और इन्फॉर्मेशन ये प्रदान करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा आजकल ध्यान भी दिया जा रहा है। महिलाओं के संबंधित अपराध भी काफ़ी हो रहे हैं, जगह जगह वो असुरक्षित होती हैं। उसको उसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ प्रकाश में देने वाली है वो ये है कि कोई भी महिला, अभी आपको डेमोंस्ट्रेशन भी दिया जाएगा, हम लाइव डेमोंस्ट्रेशन आपको बताएंगे कि कैसे होगा, कोई महिला, कोई बच्ची कहीं भी किसी स्थान से अगर फोन करती है तो उसका लोकेशन, बात करते करते तुरंत उसका लोकेशन हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएगा। उससे चर्चा हो रही है उसी दौरान हमारे यहाँ एक कंट्रोल रूम बना है, ये महिला सब इंस्पेक्टर उसकी प्रभारी है, ये संबंधित थाने को या यहाँ की जो पार्टी है उसको सूचित कर देंगी, वो उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाएगी। हो सकता है उसका फोन कटे के 2-4 मिनट के अंदर या उसके दौरान ही हमारी पुलिस वहां उसके पास पहुंच जाए। इसी प्रकार से सीनियर सिटीजन के लिए उसमें वो कॉल करेंगे, सारी सुविधाएं हैं। जो साइबर फ्रॉड होते हैं, आपने देखा है कि पिछले समय में लगभग 8 लाख रुपए हम खातों में वापस करा चुके हैं लोगों के फ्रॉड रोकते हुए। साइबर फ्रॉड के लिए उसमें सुविधा है, इंफॉर्मेशन के लिए हमारी तमाम उसमें नंबर्स, कॉन्टेक्ट नंबर्स आदि इत्यादि सारी चीजें हैं जो भी आपको बताई जाएंगी। इस तरह से करके करीब 21 फीचर्स हमने उसमें दिए हैं। FIR एट होम जो हमने चलाया है आप सबको जानकारी, आप सबके सहयोग से, जिसमें कि महिलाओं के लिए घर में, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि आज एक ऐप जो लॉन्च करने वाले हैं इसके माध्यम से सडन सुविधाएं हम लोगों को, जिले वासियों को मिलने वाली है। थोड़ा मैं ऐप के बारे में अगर मैं इन जनरल में बताऊं तो रहता है कि कोई भी इशू को सॉल्व करने के लिए सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिलना चाहिए। मैक्सिमम अगर सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल जाए, जैसे GPS लोकेशन हमारे पास मिल जाता है तो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए सुविधा रहती है एंड मोस्ट ऑफ द इश्यूज हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे ये ऐप लॉन्च होगा एंड इसका यूज होना शुरू होगा तो प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि क्राइम होने के पहले ही हम लोग पकड़ पाए, तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, आप लोगों को अगर ये अगर देखेंगे तो कनाडा और US में एंड यूरोपियन कंट्रीज में एक चीज़ है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, CBS बोलते हैं। वो अगर आपने देखा होगा उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने मोबाइल में भी एक मैसेज आता है, आप लोगों को देखा हो, नॉर्मल नेटवर्क मैसेज भी एक फ्लैश मैसेज आता है, वो जो फ्लैश मैसेज जो आता है ना कि सब कुछ आपका नॉर्मल नेटवर्क मोबाइल बात भी करते हो तो फ्लैश मैसेज आता है। ये एक्चुअली लॉन्च किया गया था ये US में आई थिंक अराउंड 5 to 10 years बिफोर। उसका लॉजिक ये था कि कहीं पर कोई क्राइम, फॉर एग्जांपल किसी का किडनैप हुआ है, किडनैप होके फॉर एग्जांपल
वो रावगढ़ रोड में जा रहे हैं, तो कोई एक एरिया स्पेसिफिक, हम यहाँ से कंट्रोल रूम से कोई एक एरिया स्पेसिफिक हम लोग चिन्हांकित करके वहां पर मैसेज भेज देंगे, तो ये फ्लैश मशीन सिर्फ उस एरिया में टावर्स में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उन लोगों को ये। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ने कहा कि जानकारी खजाने के समान होती है, इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को जानकारियां भी मिलेंगी, वहीं पुलिस से संपर्क करने में आसानी भी होगी। ऐप को समझाने के लिए महिला सब इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।